आता है लक्ष्मी जी का उसमें आशीर्वाद रहता है, क्या ऐसा भी है क्या कि किसी विशेष दिशा में ही इसे रखना चाहिए? बिल्कुल, हर झाड़ू का मतलब है ये सफाई का कारक हो गया, स्वच्छता से ही लक्ष्मी आती है। तो घर में झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छा जो स्थान होता है पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच का स्थान होता है। पश्चिम में भी रख सकते हैं और उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं, और एक स्थान में अगर रख सकते हैं घर में जो सफाई की चीज़ है और कूड़ेदान होता है, ठीक है, तो ये ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे गंदगी को बाहर निकालने वाला जगह होता है। तो एक WNW जो होता है, यहाँ पे कोई अगर डस्टबिन रख रहे हैं, झाड़ू रख रहे हैं, तो घर की समस्याओं को सब दूर करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा। और एक SHW होता है, वहाँ पे भी अगर रख रहे हैं तो वो आपका समझ लीजिए कि घर से समस्याओं को बाहर करेगा, और आपके घर में जो भी नकारात्मक है, तनाव है, डिप्रेशन है, बेवजह के खर्च है, मतलब तो वो लाभ देगा फिर आपको। तो मतलब ये जो दिशा है वो क्या, मतलब कचड़ा भगाने वाला दिशा है क्या? हाँ, वो दिशा ही है वेस्टेज वाला, घर से जो बाहर चीजों को करना है, ठीक है, कचड़े को क्या करना है, बाहर करना। ये पश्चिम दिशा है ना? बिल्कुल, पश्चिम दिशा क्या होता है, शनि का होता है, शनि ही सफाई के कारक होते हैं, ठीक है, जितने भी मजदूर वर्ग होते हैं, जितने भी सफाई कर्मी होते हैं, सब शनि के कारक होते हैं, तो उनसे रिलेटेड काम है तो उनके जोन में रखिए, ठीक है। अब जहाँ पे अध्यात्म का स्थान वहाँ पे झाड़ू रखिएगा तो प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे ईशानपुर में रखिएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसलिए पश्चिम दिशा में। वहाँ भूल कर भी नहीं रखा है क्या ईशान कोण में? बिल्कुल नहीं रखना, इसे डिसएडवांटेज हो जाएगा, मतलब बिल्कुल वहाँ पे जो भी रखिएगा वहाँ पे एक किल भी अगर ईशान कोण में व्यक्ति लगाता है तो सर में प्रॉब्लम होने लगता है।